मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल के किनारे स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान प्राणी उद्यान के बाड़े के पास जाकर हिरण व असम के गुवाहाटी से बुधवार को प्राणी उद्यान में पहुंचे दो गैंडे हर और गौरी को अपने हाथों से केला खिलाया, जिस पर दोनों गैंडों ने मुख्यमंत्री योगी के पास जाकर उनके हाथों से केला खाया। मुख्यमंत्री का जानवरों के प्रति इतना प्रेम देखते बन रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री शेर के बाड़े के पास पहुंचे, जिसको उन्होंने उसके नाम से पटौदी बुलाया तो मुड़कर मुख्यमंत्री की तरफ देखा। उन्होंने वन रेंजर से पटौदी के बारे में पूरी जानकारी ली और उसके खान पान व रख रखाव को अच्छी तरह से करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके संबंध में ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जो कि चर्चा का केंद्र बन जाता है। और कल ही उन्होंने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा पांडेहाता में शामिल हुए। शुक्रवार को चिड़ियाघर का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी ने प्राणी उद्यान के हर जानवर के बाड़े के पास उसके बारे में पूरी जानकारी ली और गैंडे को अपने हाथों से फल खिलाया, क्योंकि मुख्यमंत्री का जानवरों के प्रति बहुत प्रेम है जो कि जगह जगह पर देखने को मिलता है। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद रामलौट निषाद, अरविंद निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, भैया आगे सट जाइए, आगे सट जाओ भाई, आगे नहीं चलना, ठीक है नीचे बैठ जाओ ना, बस इसी तरह चलना भैया, भैया आगे मत बढ़ाओ, चिड़ियाघर में रह चुके हैं। गोरखपुर में होली का उत्सव का शुभारंभ करने के बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर बराबर इतना तेज चलवाएंगे अपने भाई, धीरे चलो भाई, धीरे चलिए असम से दो गेंदे मंगवाए गए हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने देखा कि अब तक आएंगे आप देख रहे हैं डेवलप करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। अन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जोड़ी से आज हम भाई देंगे बाड़े में वहाँ वो चारा भी खिलाएंगे और प्राणी उद्यान में वहाँ पर भी करके मार लेने गए फोटोग्राफर लेके हैं और क्या हो पाएगा यही साथ रहा इस किनारे से बना उस किनारे से बना रहा है ठीक है पैदल बढ़ाते रहना गया। और
परेशान मेरा बैग कैमरा बैग। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रहती है बहुत सारी व्यवस्था की गई है। इस तरह से बोली के दिन स्वच्छ मार्ग पर कैमरा बैठ गया ना वही जैसे अभी एक हरे कपड़ों से ढका हुआ है। उस जगह पर ही गहने हैं और ये प्रमुख जगह है जहां पर गहने की जोड़ी है हर और गौरी नाम का। अरे डेढ़ देश के नहीं दिखाई दे रहा उसको दिखाई देती है जरा सवास 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 आई दवा गौरी हाँ गौरी इधर आ ए गौरी गौरी आ इधर आ आ इधर आ। उस पर चोट लगा गाड़ी में गाड़ी में थी तो छोटे ट्रक के ऊपर जो गाड़ी ट्रक के ऊपर हमने पिघला दी। हर को बुलाओ और आ 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 गौरी आ जा आ ए गौरी 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 आ गौरी हर और रिस्पांस देता है और जो कान भी लाता है जब आ, 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 कान भी आ, लाता है उनको पता चलता है कि सुन रहा है बस भीड़ है जाते आ, 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 अभी तो आ जाते आ इधर आ आ आ आ आ आ आ आ आ डॉक्टर गौरी गौरी दवा लगाते फिर पानी जाके भिगो के आती है फिर लगता है दवा। हाँ एक हफ्ता लगेगा रहता है उसके ऊपर हम लोग अभी एक छाता लगवाने के लिए सोच रहे हैं। परेशान होता है वो कहता है कहाँ कितनी लगा भाई आगे वाले कैमरे थोड़ा नीचे ही रखिएगा। हेलो बड़ा जल्दी चलो आगे ले लो निकले और पहले पीपल के पेड़ पर नहीं सही बात शॉट में बढ़िया भी लेगा भाई जो पीछे खड़ा हुए थे ना खुला रहे लोग इतना काम कर रहे थे मैं कुछ काम नहीं करो तब भी मेरा शॉट बहुत बढ़िया बनना हमारा नहीं है।
जीवों पर, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके खान पान, तो उस सब चीजों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगा और लगाओ पटोरे। इस बब्बर शेर का नाम मचान के लिए जा रहा है छांव, बुलाया भी जा रहा है योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर में। यहाँ पर जब तक पूरी है उसकी मौजूद है, उसको लेकर जानकारी भी ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बब्बर शेर को देखने का ऐसे जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की इस वक्त की तस्वीरें हैं। आप देखिए बब्बर शेर जो की यहाँ पर सवाल ये है कि वहाँ केवल जो है खेलने के लिए वो कर रहा है या अगर खुल जाएगा तो काट देगा? सर इतना व्यवहारिक सर हो चुका है वो हमसे, जब से हमको अपने मतलब एक भाई की तरह मित्र की तरह खिलाते हैं सर, उसका देखभाल करते हैं सर, बीमार हो जाए तो उसकी पूरी देखभाल सर अपने डॉक्टर साहब के साथ करते हैं सर। लेकिन इतना है कि सर हम अपने हाथों से इसे पूरा सहला देते हैं, खुजली होती है सर इसे सहला देते हैं। इतना व्यवहारिक सर हमसे इतना प्रेम पेश किया जा रहा है क्योंकि 37 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ। इधर देखो बढ़ा लो भाई, बढ़ाओ जल्दी चक्रवर्ती। दरियाई घोड़ा अंदर है, चलो आज राजू भाई तो थोड़ा सा कैमरा बढ़ा दीजिए, ये पर्चा चिपका है तो वो फटते हुए विधायक जी प्रस्ताव कर दीजिए यहीं पर। विधायक जी बहुत अधिकारी भी अपनाएंगे लखनऊ सारा बिक ही बिटोरे हैं आज। कल विधायक जी सांप दादा, अरे वहाँ जवाहर दादा सांप बीच निकले हैं, कल वहाँ गाएंगे। बनारस गंदा है, कानपुर तो बहुत गंदा है। राजू भाई किलो इतना करेंगे तभी चर्बी पर फैट है और बाकी सब छोटा बैग तो ले अच्छा। इनका किलो इतना दौड़ रहा है इसी स्पीड से देखिए
देखिए पूज महाराज जी जब भी गोरखपुर आते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज है। होली का त्यौहार कल है, कल भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में पूज महाराज जी पांडेहाता में शामिल हुए। आज चिड़ियाघर का औचक निरीक्षण पूज महाराज जी ने किया और हर जगह रुक करके पूज महाराज जी ने हर हमारे जितने जानवर इस चिड़ियाघर में लाए गए हैं उनसे उनको देखा और काफ़ी लोग इसमें फोटो वोटो खिंचवाए। अच्छा लगा। हम गोरखपुर वासियों को हमेशा पूज महाराज जी कुछ कुछ ऐसा तोहफा देते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम गोरखपुर वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जानवरों से बारे में चर्चा की महाराज जी ने जी कई तो हमारे गंडे तो वहाँ आ करके पूज महाराज जी के हाथों से फल वल भी खाए हैं, आप लोग देखे हैं। निश्चित है उनका लगाव है, सबसे लगाव है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, पूज महाराज जी सबके प्रति बड़ा सरल हृदय रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं जिससे लोगों को आकर्षित करते हैं।